नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका विंध्याचल के गंगा घाट से। दोस्तों यहां देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग भरे पड़े हुए हैं, स्नान कर रहे हैं दोस्तों, और ये मेला भी लगा हुआ है यहां। अब हम लोग आगे चलते हैं, पास से आपको गंगा जी का दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सामने आपको त्रिपाल से घेरावा किया हुआ दिख रहा होगा, वहाँ महिला लोग के कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था किया गया है दोस्तों। और ये घाट के नज़दीक में शौचालय इत्यादि का कोई प्रबंध नहीं है दोस्तों, यहाँ लोग खुले में ही शौच कर रहे हैं दोस्तों। और महिला लोग के नहाने का एक अलग ही क्षेत्र वहाँ पर निश्चित है दोस्तों, और बाकी एक दूसरे साइड में पुरुष लोग का व्यवस्था है दोस्तों यहाँ दो घाट है जहाँ भीड़ दोनों जगह लगा है, तो ज़्यादा भीड़ था वहाँ। हम लोग पूरा दर्शन कर चुके, पूरा किनारे किनारे घूम चुके दोस्तों। हम लोग बहुत लोग पूजा पाठ करते हुए, कुछ पूजा पाठ का सामग्री खरीदारी करते हुए मिले दोस्तों। और यहाँ लोग दीपक और अगरबत्ती इत्यादि भी गंगा जी का आरती करते दोस्तों, दीपक और अगरबत्ती से। और कुछ लोग नाव का मजा ले रहे थे दोस्तों। और अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट एक और घाट है, इससे ऊपर में ये 2 किलोमीटर के क्षेत्र फैला है दोस्तों, 1 से 2 किलोमीटर में। और हम लोग अब उस तरफ चलेंगे दोस्तों, और हम लोग नाव का भी व्यवस्था देख रहे हैं, नाव का सवारी करने के लिए गंगा जी में दोस्तों। दोस्तों विंध्याचल गंगा घाट में देख सकते हैं, यहाँ बहुत लोग अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्हे बालकों का मुंडन संस्कार करवाते हुए, और साथ में बाजा भी बजवा रहे हैं दोस्तों, और कुछ लोग ऊँट का सवारी का मज़ा भी ले रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपको हम फिर लिए चलते हैं गंगा घाट की ओर दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये विहंगम नज़ारा, सामने मार्केट जहाँ लोग पूजा पाठ की सामग्री खरीदारी करते हैं दोस्तों, और गंगा जी में स्नान करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप बहुत सारा भीड़ भाड़ लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं दोस्तों। और यदि जब भी आप मिर्ज़ापुर विंध्याचल तरफ आए तो गंगा घाट तरफ ज़रूर एक बार आए दोस्तों, यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य है दोस्तों। देख सकते हैं पूरा भीड़ भाड़ लगा हुआ दोस्तों।
दोस्तों हम लोग गंगा घाट दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से आगे विंध्यवासिनी मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल का विंध्यवासिनी मंदिर की ओर रास्ता निकलेगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों एक घाट आने जाने के रास्ते में किनारे किनारे देख सकते हैं दिव्यांग एवं वृद्ध जन व्यक्ति लोग भिक्षा मांग रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग तो इन्हें दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ लोग इन्हें एक रुपया भी नहीं दे रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग घाट से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं दोस्तों। सीढ़ी यहाँ बना हुआ देख सकते हैं पत्थर का, और ये घाट का नाम गुदरा घाट था दोस्तों। और इसके बगल में एक और घाट है, वहां भी बहुत भीड़ भाड़ लगा है दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं दोस्तों। यहां से हम लोग सीधे मंदिर परिसर की ओर निकलेंगे दोस्तों। देख सकते हैं यहां लोग बहुत लोग आ रहे हैं गंगा घाट की तरफ। दोस्तों सकरी गलियों से होकर ही आगे विंध्यवासिनी मंदिर की तरफ जाना होगा दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से गंगा का दृश्य दोस्तों, मेला वगैरह लगा हुआ। ये दोस्तों यहाँ लगातार लोग आते रहे हैं दोस्तों, लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। एक बोर्ड लगाया हुआ दोस्तों यात्रियों के ठहरने के लिए, कोई लॉज वॉज होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ मार्केट, दोस्तों यहाँ तमाम तरीका के पूजा पाठ सामग्री की दुकान सजी है दोस्तों, और लोग बुला भी रहे हैं पूजा सामग्री खरीदने के लिए। और हम लोग अब धीरे धीरे आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग गंगा घाट से आगे की ओर आ चुके हैं दोस्तों, और यहीं से लेफ्ट साइड हम लोग जाना होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं वैष्णो देवी टेम्पल का श्राइन बोर्ड लगा हुआ। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ टेंट लगाया गया है और नीचे दरी बिछाया गया है दोस्तों। पूरा ये मंदिर परिसर तक जाने में इस प्रकार से है दोस्तों, बहुत लोग यहाँ जा रहे हैं दोस्तों। किनारे किनारे तमाम तरीका से दुकान लगा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये टेंट यहाँ लगाया गया है बहुत भारी मात्रा में। वो सड़क से जहाँ वैष्णो देवी टेम्पल का श्राइन बोर्ड लगा था, वहाँ से लगातार टेंट लगाया गया है दोस्तों। और दोनों तरफ से यहाँ फूल माला पूजा सामग्री फल इत्यादि की दुकान है दोस्तों। और दुकानदार लोग चप्पल जूता इत्यादि रखने और सामान अपने यहाँ लेने के लोग सजेशन दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आगे और भीड़ भाड़ है दोस्तों। दोस्तों यहाँ आगे और भीड़ भाड़ बढ़ते जा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों तमाम लोग शहर से गंगा घाट की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और लोग गंगा घाट से स्नान इत्यादि करके आगे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोनों तरफ लगातार दुकान ही दुकान है दोस्तों। यहाँ पूजा पाठ इत्यादि के लिए श्रृंगार की दुकान है दोस्तों, नारियल फल फूल इत्यादि सब कुछ मिलता है दोस्तों। यहाँ ज्यादातर पूजा पाठ की ही दुकान पूजा पाठ सामग्री बिकने वाले ही दुकान है दोस्तों। दोस्तों नवरात्रि के एक दिन बाद का ये दिन है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग दर्शन करने के लिए दोस्तों, और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ भीड़ भाड़ है दोस्तों इस टाइप से, और यहाँ बहुत भारी संख्या में लाइन लगा है दोस्तों। आप लोग यहीं से दर्शन कीजिए दोस्तों। ये देख सकते हैं यहीं से लोग मंदिर परिसर की ओर आगे जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ मंदिर है विंध्यवासिनी देवी जी का, विंध्याचल का मंदिर दोस्तों। दोस्तों हम लोग मंदिर परिसर के पास, वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं बाहर जाने के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और अंदर जाने के लिए भी जाम सा लगा हुआ दोस्तों।
ये देख सकते हैं दोस्तों, ये विंध्याचल शहर से मंदिर की तरफ आने वाला मेन रूट है दोस्तों, प्रवेश मार्ग का विंध्याचल मंदिर का दोस्तों। और ये यहाँ 500 मीटर की दूर से ही इधर सघन लाइन लगाया गया है दोस्तों। कतार में लोग अपने बारी का इंतजार करते हैं दोस्तों, दर्शन करने के इंतजार में। यहाँ से 500 मीटर आगे से भी फिर मंदिर का गेट है दोस्तों। ये दोस्तों मंदिर के पीछे का हिस्सा से हम लोग इधर आए दोस्तों, और ये मंदिर के पीछे का जस्ट लोकेशन, यहाँ भी पूजा पाठ की दुकान है दोस्तों। और ये देख सकते हैं इधर से भी लोग दर्शन करने अंदर जा रहे हैं दोस्तों। ये जयपुरिया गली है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। यहाँ भी दर्शन के लिए भारी लाइन लगाया गया है दोस्तों, बहुत ही हजारों हजार की संख्या में पब्लिक। जबकि नवरात्र का दोस्तों रामनवमी से एक दिन बाद का दिन है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ तमाम संख्या में भाग दोस्तों। यहाँ पूजा अर्चना करते हुए लोग भी सुने जाएंगे आप। दोस्तों गंगा घाट से मंदिर परिसर तक के वीडियो के बाद अब हम लोग वीडियो को ही समाप्त करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ आप मंदिर परिसर में आने के लिए कई रास्ता है दोस्तों, और निकासी के लिए भी बहुत सारा रास्ता है दोस्तों। ये देख सकते हैं हम लोग आए थे दूसरे रास्ते से और वापस आ रहे हैं दूसरे रास्ते से दोस्तों, और इधर भी टेंट लगाया हुआ है।